ओपियम मॉर्फिन हीरोइन ब्राउन शुगर का एडिक्शन, और उसका जब विड्रॉल होता है तो क्या दिखाई देता है पेशेंट में, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग आते हैं कि जिनको अफीम का लत है, या मॉर्फिन इंजेक्शन लेते हैं, या मॉर्फिन हेरोइन या ब्राउन शुगर इसका लत है, एडिक्शन है, और वो एकदम सडनली बंद कर देते हैं या कम मात्रा में लेते हैं। एकदम एकाएक बंद कर दिया नहीं मिलने से, या कम मात्रा में लिया तो बहुत सारे लक्षणों को दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण क्या होते हैं, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो 9 में से 3 लक्षण यदि है तो समझना कि इसको विड्रॉल सिम्टम्स आए हुए हैं। नंबर एक, मूड जो है वो एकदम बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं लगता मूड, मतलब विड्रॉल करने के बाद। नंबर दो, जी मचलाना, उल्टी करना। नंबर 3, पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत दर्द, हाथ पैर में दर्द होता है। नंबर 4, आँख में और नाक में से पानी आता है। नंबर 5, आँखें बड़ी होना, रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत पसीना आना। नंबर 6, डायरिया होना, ज़्यादा शौच को लगना। नंबर 7, यॉनिंग, उबासी आना, बार बार उबासी आती रहती। 8, बुखार आता है। और 9, नींद नहीं आना। तो ये 9 जो है, ये 9 में से 3 यदि सिम्टम है, समझना कि इसको, और इसके पहले लक्षण है कि पहले मॉर्फिन लेता था, हेरोइन ले रहा है या ओपियम ले रहा है, और अभी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब इसको एडिक्शन है और उसका विड्रॉल हुआ है। इसमें व्यवहारिक व्यावसायिक रिश्तों में बंधन आना, तकलीफ होना, ये विड्रॉल की वजह से वो काम नहीं कर सकता, रिश्ते नहीं रख सकता, तो ये हो सकता है। और बाकी कोई भी मेडिकल कंडीशन इसके साथ में नहीं होना चाहिए। यदि कोई बाकी मेडिकल कंडीशन है तो वो देखना पड़ेगा कि वो मेडिकल कंडीशन से तकलीफ हो रही है। तो जो विड्रॉल है, इतने सीवियर विड्रॉल होते हैं, इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द उसको बदन में आता है, उबासी आना, नींद नहीं आना, बेचैनी, मूड खराब रहना, कि बोलता मुझे कोई भी हालत में वो दवा दे दो, मतलब मॉर्फिन दे दो या ओपियम दे दो, कोई भी मेरे को खिला, कुछ भी करो नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं, उसको बुप्रेनॉर्फिन, नैलॉक्सॉन की टैबलेट जो आती है वो देते हैं दवाइयाँ, और देने के बाद में उसको बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, और धीरे धीरे दवाइयाँ का डोज जो है वो कम होते रहता है, और वो जो लत है उसको, वो जो एडिक्शन है उससे वो ठीक हो पाता है। तो आपको ऐसे कुछ लोग मिले तो डेफिनेटली उनको दवाई लेने के लिए बोलो। ये जो है ना, इसका ये जो लत है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आज हमारे पास में काफ़ी सारे लोग हैं, हजारों लाखों नौजवान हैं कि जो इसके बलि है, और ये जो मतलब इसका शौक करते रहते, लत है, उनको प्रॉब्लम है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज करेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, और एक अच्छा हम देश का निर्माण कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।